मोदी जी के नाम पे यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा। बस बस ये कैसा चुनाव है चाचा, मान लीजिए कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा? बस तो मोदी जी यहाँ काम करने नहीं ना आएंगे आपके सांसद जी? तो 1200 का गैस सिलेंडर चाहिए कि 500 वाला? हम लोग जो मिलेगा वही लेंगे। राम कृपाल यादव जी पिछले 10 सालों में क्या कुछ किए हैं पाटलिपुत्र के लिए? अरे भैया उनको हम लोग वोट नहीं दे रहे, हम लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी को। सांसद जी कुछ काम किए हैं? अरे नहीं किए तो मोदी जी कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम 400-500 में देंगे हमारी सरकार आएगी तो, अरे देश को बेच देंगे। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं मोदी पे कि मोदी जी, मोदी जी 2 करोड़ का नौकरी का वादा किए थे, नीतीश जी किए कि तेजस्वी जी? तेजस्वी कहाँ किए, 2 दिन में आप आइएगा पार्टी में नौकरी दे दीजिएगा। अभी हम बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है जहां से पिछले 2 बार से सांसद रामकृपाल यादव जी यहां से लालू प्रसाद यादव जी की बेटी मीसा भारती को चुनाव में हरा चुके हैं। लेकिन इस बार तीसरी बार जो है कि मीसा भारती रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ी हैं। रामकृपाल यादव क्या यहां से जीतेंगे या मीसा भारती उनको हरा पाएंगी, इन सभी सवालों पर यहां के लोकल लोगों से बात किया जाएगा। चाचा नाम क्या हुआ आपका? सतीश कुमार। क्या लगता है पाटलिपुत्रा से इस बार कौन सांसद बनेगा? रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव, हाँ। ये बताइए रामकृपाल यादव जी क्या किए हैं पाटलिपुत्रा? पूरा किया, क्या है सब लोग सब काम किया है। लोग कहते हैं कि वो मिस्टर इंडिया है, गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं। नहीं, आप एक उद्घाटन में कीजिए, जन्मदिन में कीजिए, शादी में करिए, तिलक छक्का में करिए, हाजिर है। बोलता है कि कुछ नहीं किए। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आप लोगों को 5 किलो राशन चाहिए कि हम जो 10 किलो देंगे वो चाहिए? वो तो अपने पास जाते हैं लंदन। हाँ। वो क्या करेंगे, मतलब आपको 10 किलो राशन की जरूरत नहीं है, 5 किलो में हो जाता है? हमको मोदी चाहिए, राशन से क्या जाते हैं? मोदी चाहिए, राशन क्या चीज है? राशन तो हम लोग को देते हैं, राशन से कोई लेना देना नहीं। नहीं, राशन तो गरीब गुरबा के लिए ना है। मोदी जी 2 करोड़ का नौकरी का वादा किए थे और तेजस्वी जी भी जो है कि 1 करोड़ का वादा है, मोदी जी तो पूरा नहीं कर पाए, लोग कहते हैं आरोप। नीतीश कुमार तो किए ना। नीतीश जी किए कि तेजस्वी जी? तेजस्वी कहाँ किए, 2 दिन में आप आइएगा आप पार्टी में नौकरी दे दीजिएगा। लोग तो कहते हैं तेजस्वी जी कहने से नहीं ना होगा, 2 दिन में कोई नौकरी दे देगा? 17 महीना ना रहे? ओहो 17 महीना में कहाँ जा रहे हैं? वो क्या सरकार के बारे में 17 महीना में जा रहे हैं, नीतीश ना जा रहे हैं? अच्छा मीसा भारती को क्यों नहीं आप लोग जीताना, इसके पीछे का वजह क्या है? हम लोग को कभी दिखाइए नहीं देते हैं। आखिर तो जो नेता जीतेगा वही ना आएगा चाचा? नहीं ऐसे नहीं होगा, मान लीजिए कि हम हार गए तो जनता को बीच में तो भेंट करेंगे ना, तो एसी रूम में आएंगे फिर एसी रूम में चल जाएंगे। मीसा भारती जी वो सोने के चम्मच लेके जन्म लिए है मीसा भारती। रामकृपाल यादव वो तो सड़क छाप है, बेचारा गरीब गुरबा खेतीहर है। रामकृपाल यादव को तो लालू परिवार ही बनाया है। अरे बनाने से क्या होता है, ये कोई बात ना हुआ, बनाया तो बनाने परिवार से तो आगे निकल जाता है ना। अच्छा ये बताइए नौकरी वोकरी नहीं चाहिए आपको? नौकरी कहला चाहिए आपके बाल बच्चों को? नहीं, मोदी जी तो बोले थे दिए नहीं। अरे हम लोग, हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी अपने लेगा। अच्छा क्या कह रहे हैं? माने जिसको नौकरी मिला है उसका तो जमीन भी गया। अच्छा, और जमीन दे करके नौकरी ले लिए? मिला कहाँ, वो नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और हम लोग वोट तो केवल राष्ट्रवाद पर दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। मतलब नेता को नहीं दे रहे, मोदी जी को दे रहे? मोदी जी को, मोदी के चेहरा पे बस, मोदी के काम पर। तो ये ऐसा क्यों, मतलब ये दीवानगी क्यों? आप अपने सांसद को चुनिएगा ना, तो सांसद उन्हीं के ना प्रतिनिधि है। अगर मोदी जी के नाम पे यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा? बस बस ये कैसा चुनाव है चाचा, मान लीजिए कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा? बस सब जीतेगा, सब जीत जाएगा, मोदी है तो मोदी कोई। तो मोदी जी यहाँ काम करने नहीं ना आएंगे आपके सांसद जी? टोटल तो काम वही करवा रहे हैं ना, पैसा यादव जी टोटल तो राष्ट्र का पैसा है। अच्छा ये बताइए आपको 1200 का गैस सिलेंडर चाहिए कि 500 वाला? हम लोग जो मिलेगा वही लेंगे। लेकिन अधिकारी कि हमको 500 का गैस सिलेंडर देंगे, वो अपना बुक किए हुए हैं, टोटल यात्रा विदेश यात्रा बुक किए हुए हैं, उसके बाद तो विदेश जाएंगे। राहुल गांधी हाँ बिल्कुल, उनको यहाँ से लेना देना क्या है, राष्ट्र को लीलाम कर देंगे। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे नहीं मिल पाया, अब तेजस्वी जी 1 करोड़ का वादा किए हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ करेंगे वो तो देखिए रहे हैं, नौकरी तो यहाँ पर सब विभाग बन चुका था, पैसा तहसीली का, और उसी के माध्यम से कुछ नहीं हो रहा था। तेजस्वी सरकार में कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बस इतना। और लोग और चाचा से बात की, चाचा क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है इस बार? अब भाजपा की बन रही है। भाजपा की? हाँ। तो यहाँ से सांसद कौन बनेगा पाटलिपुत्र? रामकृपाल यादव। तो रामकृपाल यादव जी पिछले 10 सालों में क्या कुछ किए हैं पाटलिपुत्र के लिए? अरे भैया उनको हम लोग वोट नहीं दे रहे, हम लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी को। मतलब मोदी जी के चेहरा पे वोटिंग होगा? नहीं, काम पर वोटिंग हो रहा है। तो सांसद जी कुछ काम किए हैं? नहीं किए तो मोदी जी कर रहे हैं ना।
मतलब मोदी जी काम करेंगे तो वोट मिलेगा कोई भी सांसद? मोदी जी के पटिया में है तो हम केकरा वोट दें? तो वही ना कह रहे कि मतलब मोदी जी के चेहरा पे वोट? हाँ नहीं, चेहरा पे काम पता रहे, उनका काम नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनवाए, राशन फ्री में 29 तक राशन फ्री में कर दिए, उसके बाद उज्ज्वला गैस दिए। तो लोग कहते हैं उज्ज्वला गैस में लोग गरीब है, पैसा आइए नहीं, गैस कहाँ से भरवाएगा? 1200 रुपए सिलेंडर का। अरे तो 400 रुपया सब्सिडी जाता है। 400 कहाँ जाता है, 78 रुपए? नहीं वो तो जनरल के जाता है, उसका अलग जाता है, उज्ज्वला का अलग होता है। 78 रुपया जनरल का है, योजना वाले को 400 जाता है, जो मीडियम वाले हैं उनको 78। हाँ 78-79 रुपया जाता है, गलत कहाँ कर रहे हैं वो। अच्छा तो मोदी जी का 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं, ठीक है 400 सब्सिडी देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हम 400-500 में देंगे, हमारी सरकार आएगी तो? अरे देश को बेच देंगे राहुल गांधी। हाँ तो लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं मोदी पे कि मोदी एक लाख रुपया कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सब दीदी सबके महिला को खाता में देंगे, तो एक अरब रुपया पर महीना कहाँ से डालेंगे वो बताइएगा ना। 1 अरब रुपया पड़ता है, जोड़ लीजिए। तो कहीं से वादा तो किए हैं तो पूरा करेंगे ना? खेत द्वार बेच देंगे, पूरा हिंदुस्तान को बेच के देंगे, कहाँ से देंगे वो बताएंगे ना कि कहाँ से लाएंगे वो फंड। अच्छा रोजगार रोजगार नहीं चाहिए आप लोग? क्या आपके बाल बच्चे नाती पोते जो भी है? अच्छा रोजगार कहने का मतलब पढ़ रहा है लिख रहा है उसको रोजगार की कमी है? जो पढ़बे नहीं करेगा उसको रोजगार क्या देगा, बोलिए कहाँ से देगा? पढ़ो लिखो, पढ़ने के लिए गार्जियन खर्च कर रहा है बच्चा पर, पढ़ो लिखो जो भी खर्च है दे रहा है गार्जियन, आगे बढ़ो, लोग को नौकरी नहीं लग रहा है? बच्चे पढ़े तो सबको नौकरी थोड़ी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, उसके लिए 10-20 को मिलेगा। बिजनेस करो, रोजगार करिए। हाँ रोजगार करो, रोजगार के लिए दे रहे हैं पैसा, रोजगार कीजिए। तेजस्वी जी कर हम नौकरी देंगे, रोजगार की बात नहीं है, नौकरी देंगे। हाँ उन्हें तेजस्वी क्षेत्रीय पार्टी होकर के नौकरी देंगे, केंद्रीय पार्टी है वो कुछ नहीं देगा, क्षेत्रीय पार्टी कुछ नहीं। मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, उसके बाद से अपना रोटी सेक करके चल जाते हैं दिल्ली। हिंदी मुस्लिम कहाँ लड़ा रहे हैं वो, कहाँ लड़ा रहे हैं? नेता का बयान बीच में सामने आया था कर्नाटक के, बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो संविधान बदल देंगे, आनंद सिंह हेगड़े थे जिनको टिकट काट। नहीं नहीं संविधान बदलने की सवाल ही नहीं है, बार बार कहते हैं मोदी जी के खाली झूठ मूठ के हवा है, वो संविधान नहीं बदलेंगे, झूठ क्षेत्रीय पार्टी लोग हवा उड़ा रहा है कि संविधान को बदल देंगे, ये गलत बात है, संविधान को कभी नहीं छुएंगे नहीं मोदी जी। बीजेपी के एक और नेता बोले हैं कि मुस्लिम लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा इस बार। हैं? मुस्लिम का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा बीजेपी के? नहीं वो बंगाल की बात हुई है, हाईकोर्ट उसको रोक लगा, हाईकोर्ट उसको फैसला दे दिया। मतलब मुस्लिम लोगों का आरक्षण कहाँ खत्म कर? कहा मुस्लिम लोगों को समुचा आरक्षण मुस्लिम लोगों को दे दिया जाएगा, तो उसके बाद ये लोग कहाँ जाएगा, बैकवर्ड? सब आरक्षण उन्हीं को दे दीजिए, समूचा क्या नाम है वही बंगाले में तो दिया है टोटल आरक्षण मोहम्मदम को। मोदी की अपना बात अच्छाई बताइए, जिस अच्छाई पर वोट देना चाहते हैं मुझे। उनका बोलने का शैली, काम का कार्य का उनका शैली, हर एक चीज में वो अव्वल हैं, आगे हैं, विदेश में उनका नाम, और क्या चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को यही चाहिए, यही सबसे बड़ा। युवा कह रहे 32 साल के तेजस्वी 75 साल के मोदी को रोड पे ला दिए हैं के? युवा सब कह रहा है लोग, कहाँ कह रहा है युवा 75 साल के आदमी को परेशान कर? तन युवा से पुछवाइए ना, तन युवा को चाचा लोग बोल रहे हैं। नहीं 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 ऐसा बात नहीं है, सब झूठ मूठ का अफवाह है, कुछ नहीं है। मोदी कॉलोनी अच्छा इतना मोदी जी बिहार आ रहे हैं, दर्द मोदी कॉलोनी की, मोदी जी इतना ज्यादा बिहार आ रहे हैं? हाँ बिहार से डर नहीं लगा है क्या चीज? मोदी जी इतना बिहार, तनिक भी डर नहीं है, डर क्या है, बराबर आते हैं वो, तो बड़ियो आए थे उस बार चुनाव में, आए थे नहीं आते हैं? ये सब हवा है, हवा हवा ही निकल गया, काम खत्म है। राम कृपाल यादव जिंदाबाद, जीत गए वो। मिश्रा जी हार गई, मतलब इस बार भी हार जाएंगे? हाँ एकदम गारंटी। अच्छा अच्छा मोदी जी जीतेंगे कि मिश्रा जी, की कौन जीत? देखा देखा आप भी तो बताइए, आप भी आप वोट देंगे कि नहीं बताइए, वोट देंगे ना? आप क्या क्या बोलिए ये बताइए, कौन जीत रहा है पाटलिपुत्रा से? राम कृपाल यादव जी को क्यों जिताना चाहते हैं ये बताइए, इसका वजह? जमीनी नेता है, हवा हवाई नहीं है। हाँ। जमीनी नेता है इसलिए जीतेगा वो। राम कृपाल यादव जी कुछ काम उम किए हैं यहाँ? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए, दिखाई नहीं देते ना, बहुत काम किए हैं, जब बोलाइए तब आदमी हाजिर हो जाता है। हाँ भाई मैसेज कर दीजिए आदमी हाजिर है। तेजस्वी जी घूम घूम कर रहे कि उनको नेता हमारे पिताजी बनाए हैं, हम ही सिखाए हैं लोग। तेजस्वी के बनाया नेता? उनके पिताजी ही बनाए। तेजस्वी के नेता के बनाया? वो तो विरासत में मिला है। विरासत वाला आदमी काम करेगा, विरासत वाला आदमी काम करेगा, उनको क्या पता है? उनसे पूछिएगा कि अभी रोहन चढ़ गया, रोहन कितना दिन का होता है, उनसे पूछिएगा ना, उनको पता है। अच्छा ये बताइए मिश्रा भारती अगर गलती से जीत गई तब क्या हो जाएगा? जितबे नहीं करेगी, गलती से कैसे जीत जाएगी? जितबे नहीं करेंगे तो दुर्भाग्य हो जाएगा पाटलिपुत्रा का। मतलब अगर वो जीत जाएंगी तो दुर्भाग्य हो जाएगा।
चाचा सरकार किसकी बन रही है, पाटलिपुत्र से कौन जीतेगा, देश में कौन जीतेगा? पाटलिपुत्र से राम कृपाल जी जीत रहे हैं और देश में बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी की सरकार। तेजस्वी कह रहे हैं मंदिर वंदिर बनने से कुछ होने वाला नहीं है देश। अरे उसका पूरा तो खानदान चोर है, तो वो क्या बोलेगा और क्या जनता को समझाएगा? जो अभी बाप निकल के आया है अथी पे बेल पे, वो क्या जनता को समझाएगा कि ऐसी सरकार मोदी की नहीं बन रही? मोदी जी कह रहे हैं चुनाव के बाद लालू यादव तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे, यानी कोई मनमानी नहीं? जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि केस चल रहा है, ये कोर्ट फैसला करेगा कि मोदी जी करेंगे? मोदी जी ही फैसला कर देंगे। मोदी जी कोर्ट हो गए हैं का? कोर्ट हो ही गए हैं। हाँ। हाँ। चलिए एक और चचा है उनसे बात किया जाएगा। चचा क्या लगता है पाटलिपुत्र से कौन जीतेगा इस बार? स्पष्ट है रामकृपाल जो जीत रहे हैं, हैट्रिक लग रही है, डबल हैट्रिक यहाँ है, डबल हैट्रिक है, डबल हैट्रिक केंद्र में यहाँ नहीं, यहाँ ही दो हैट्रिक लगेगा, दो हैट्रिक, एगो हारने वाला हैट्रिक, एगो जीतने वाला हैट्रिक। अच्छा मतलब मीसा भारती वाला भी बात कर रही थी? हाँ। तो राम कृपाल यादव जी जमीनी नेता हैं? भरपूर जमीनी है, जमीनी है ये है। अच्छा ये बताइए आपको 5 किलो राशन चाहिए कि 10 किलो? हमको राशन की कोई आवश्यकता नहीं है, राशन उनको मिलना चाहिए जिसकी आवश्यकता है, नहीं तो राशन बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। राशन की आवश्यकता से ज्यादा जरूरत है आम विकास का, आम शांति का, सब लोग शांति और व्यवस्था से रहेंगे ना। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगी। तेजस्वी जी कह रहे हैं मोदी जी जुमला निकल गया नौकरी का बात। अच्छा। हम 1 करोड़ का दावा करते, 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे, कहाँ है नौकरी उनके पास? 15 बरस में उनके बाबू नहीं दिए नौकरी, आई हमको दे देंगे नौकरी, ठगने चले हैं। जुमला वो करें कि जुमला ही कर रहे हैं? 17 महीने में तेजस्वी दिए हैं ना? कहाँ दिए हैं, कहाँ दिए हैं? ये दिए हैं कि नीतीश सरकार के मतलब सीएम लड़ाई कर रहा है। लड़ाई कहाँ करेगा, लड़ाई कहाँ कहेगा, ये तो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा रोजगार की जरूरत नहीं है? रोजगार तो जरूरत है ही है, रोजगार का तो सृजन हो जाइए, रोजगार का सृजन सरकार नहीं करेगी, आप और हम भी करेंगे। वो कैसे? वो कैसे आप उसके लिए, सरकार तो उसके लिए आर्थिक व्यवस्था कर रही है, आप उसके लिए उस तैयार होइए, आप उसके लिए काम कीजिए। अच्छा तो ये बताइए अगर मोदी जी की सरकार वापस आती है तो बिहार में तो बहुत सारा वापस आती है, अगर कहाँ है सरकार आएगी? सरकार आपको पता है शपथ ग्रहण के 100 दिन आगे तक की योजना तैयार कर रखी है, आप उसके बाद देख लीजिए। चुनाव से पहले वोट साफ है, जनता साफ नजर आ रही है, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? मतलब 400 पार हो जाएगा? एकदम 400 पार होगा। लोग कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा। संविधान कैसे बदलेगा, संविधान किसने कह रहा है? ये तेजस्वी जिसे लोग कह रहे हैं उनसे बदल जाएगा? मोदी जी के एक नेता है कर्नाटक के सांसद अनंत सिंघड़े के, बोले 400 आएगा तो संविधान बदल देंगे। नहीं संविधान क्या बदलेंगे, संविधान नहीं बदलेगी, एक सांसद वही कह देंगे वही हो गया, आपने वो तो कह दिया। हमारी सरकार हमारी नीतीश जी का इनका, आप मोदी जी का घोषणा पत्र तो देख लीजिए। मोदी जी के घोषणा पर में कहा जाए कुछ ऐसा काम है नहीं दिख रहा है, आप तो देखिए, आप देखिएगा तब ना नजर आएगा। हम देख रहे हैं, नहीं आप बता रहे हो, बता रहे हैं नहीं, हम लोग तो कहेंगे ही। अच्छा 40 में से 39 मिला बिहार के लिए, मोदी जी ने क्या किया बिहार के लिए? क्या 39 सीट आप जी क्या करना चाह रहे थे? सबके घर में आगे मोदी जी खेत का जोत देंगे, बोले मोदी जी खेत जोत देंगे आपके? मोदी जी बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, चीनी मिले चालू करेंगे, फैक्ट्री, चीनी मिल आप पहले तैयार कीजिए, चीनी मिल तैयार करने के लिए जगह। आपने यहाँ व्यवस्था, जब तक ये रोड नहीं बनेगी तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो मोदी जी ही ना बनवाएंगे? मोदी जी सबके घर घर आप पखाना करके खड़ा रहिएगा, मोदी जी पानी डाल के गांड धो देंगे, ये आप सोच रहे हैं क्या कि मोदी जी आके गांड धोते हैं? तो सरकार मतलब मोदी जी की बनेगी? बनेगी, इसमें कहीं इज बट नहीं है, नो इज बट, नो इज बट। अच्छा तो मतलब मोदी जी भी हैट्रिक मार रहे हैं? हाँ हैट्रिक मार रहे हैं, राज्यपाल जी भी मार रहे हैं, मार रहे हैं, मिश्रा जी भी हैट्रिक मार रहे हैं, सब हैट्रिक। हाँ हैट्रिक पर है। चलिए तो ये फैसला 4 तारीख को निकल के सामने आएगा कि सरकार किसकी बनती है, क्या बीजेपी की सरकार वापस आती है, किसी और को मौका दिया जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत धन्यवाद।